मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 80, प्रॉब्लम नंबर 4। The wave function of two identical particles in state n and s are given by phi n r1 and phi s r2 respectively. The particles obey Maxwell-Boltzmann statistics. The state of combined two particle system is expressed as. So yahan pe classical particles mb statistics mention kiya hua hai, to both particle classical particle hain. और क्लासिकल पार्टिकल्स, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स जनरली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। जब डिस्टिंग्विशेबल कंसेप्ट आप लेंगे तो आप श्योरली बता पाएंगे कि कौन पार्टिकल किस स्टेट में है, जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन भी किया हुआ है। द वेव फंक्शन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल इन स्टेट एन एंड एस आर गिवन बाई फाई एन आर वन एंड फाई एस आर टू रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल एनथ स्टेट में है और सेकेंड पार्टिकल एस एथ स्टेट में है। और यहाँ पे क्लासिकल पार्टिकल है और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि टोटल सिस्टम का जब वेव फंक्शन नोट करेंगे तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में नोट करेंगे। जो भी पार्टिकल्स होंगे, टू पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्ट को प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करके टोटल वेव फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं फाई एन आर वन और फाई एस आर टू। ये क्लासिकल पार्टिकल के लिए आपको वेव फंक्शन सिस्टम का नोट हो गया, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। बट अगर यही क्वांटम पार्टिकल्स होते तो यहाँ कंफर्म नहीं था कि कौन पार्टिकल किस स्टेट में होगा, तो फिर यहाँ पे आप एक्सचेंज करके पॉसिबिलिटीज से वेव फंक्शंस फाइंड करते हो, उससे स्टूडेंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग आप सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके नोट करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 80, प्रॉब्लम नंबर 5। कंसीडर द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू साई आर वन आर टू मल्टीप्लाइड बाई काई एस फॉर ए फर्मियोनिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है फर्मियोनिक, दैट मीन्स सिस्टम के कंस्टेंट्स का नेचर यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ये स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लें, नहीं तो इससे आपको हो सकता है कि सम कैंडिडेट्स को डाउट रहे। टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, अगर टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स से सिस्टम के नेचर पे जाएंगे तो वो बोजोनिक बनेगा, सिस्टम का नेचर। बट यहाँ पर वर्ड भी लिखा है फर्मियोनिक, फर्मियोनिक सिस्टम, फर्मियोनिक सिस्टम इज ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फर्मियंस। तो टोटल वेव फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे साई साई आर वन आर टू मल्टीप्लाइड बाई काई एस The spatial part of the wave function is given by psi r1 r2 is equal to 1 by root 2 phi 1 r2। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये phi 1 r1 होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, phi 2 r2 प्लस, जब यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे पार्टिकल्स को तो ये phi 2 r1 बनेगा और phi 1 r2। ये आपको वेव फंक्शन दिया है स्पेशल पार्ट, तो यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेंगे। ये बोथ कोऑर्डिनेट r2 कर दिए हैं वहां पे, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो स्पेशल पार्ट दिया हुआ है और ये पार्ट को आप कंपेयर करें, ये सिमेट्रिक है,
दिस इज सिमेट्री. स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है. वेयर फाइव वन एंड फाइव टू आर सिंगल पार्टिकल स्टेट्स, द स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन विद स्पिन स्टेट्स अल्फा. और ये नोटेशन आपको अल्फा प्लस हाफ के लिए दिया हुआ है, इट मीन्स ये नोटेशन स्पिन अप के लिए है और बीटा माइनस हाफ के लिए है, ये स्पिन डाउन के लिए है. एम एस वैल्यूज आपको यहाँ पे शो की हुई है अल्फा और बीटा स्टेट्स के लिए. शुड बी, अब आप ये बताएं, पहले तो आपको स्पेस पार्ट का सिमेट्रिक सभी को कंफर्म होना चाहिए कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर्म है, और इस टोटल वेव फंक्शन की अगर सिमेट्री का आपको यहाँ पे कंफर्म हो तो ये प्रोडक्ट से इस पार्ट की आपको सिमेट्री पता है तो ये पार्ट की सिमेट्री आप फाइंड कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में आपको ये सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन नोट कराया था, दैट टाइम पे आपको हिंट किया था, स्टेटमेंट नोट कराया हुआ है. ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फर्मियंस, यहाँ पे मेंशन है सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फर्मियंस, तो सिस्टम के कंस्टेंट्स का नेचर यहाँ पे फर्मियन है. अब टोटल वेव फंक्शन के लिए सिमेट्री आपको कंफर्म है कि एंटी सिमेट्रिक होगा. अब स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट एंटी सिमेट्रिक बनेगा जब स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है और स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो. अब यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक करेक्टर के लिए आपको लास्ट लेक्चर में स्पिन वेव फंक्शन नोट भी कराया है, और ये फॉर्म नॉर्मलाइज पार्ट के लिए चेक कर लें, मैंने दैट पार्ट पे नोट किया था अप डाउन माइनस डाउन अप, ये नोट कराया है आपको, और इसी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नोटेशन है उसमें कन्वर्ट करेंगे. ये अप के लिए अल्फा दिया हुआ है और डाउन के लिए बीटा, ये फॉर्म आप वहां पे कंप्लीट करेंगे. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 13. पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 13. फॉर ए स्पिन हाफ पार्टिकल लेट कैट ऑफ अप एंड कैट ऑफ डाउन डिनोट्स स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली. इफ ए इज इक्वल टू 1/√2 अप डाउन प्लस डाउन अप एंड बी इज इक्वल टू 1/√2 अप डाउन माइनस डाउन अप आर कंपोजिट स्टेट्स ऑफ टू पार्टिकल्स, टू सच पार्टिकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर देयर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर एस. आपको जो एस नोटेशन है वो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर के लिए है, तो आप ये कंपेयर करिए. आपको ये नोटेशन कैट ऑफ ए दिया हुआ है, और ये लास्ट लेक्चर में आपको डीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एस और एम एस नोट किया हुआ है. इस स्टेट के लिए मैंने डिस्कस किया था कि एस वन होगा और एम एस जीरो बनेगा. बी स्टेट 1/√2 कैट ऑफ स्पिन अप कैट ऑफ स्पिन डाउन माइनस कैट ऑफ स्पिन डाउन कैट ऑफ स्पिन अप. इस स्टेट के लिए आपको बताया था कि एस जीरो बनेगा, एम एस भी जीरो बनेगा. यहाँ पे क्वांटम नंबर का नोटेशन कैपिटल एस लिया हुआ है, बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एस इक्वल्स वन फॉर कैट ऑफ ए एंड कैट ऑफ बी इज नॉट आइगन स्टेट ऑफ द ऑपरेटर एस स्क्वेयर. Cat of A is not an eigenstate of the operator S square and S is equal to 0 for cat of B. S equal to 0 for cat of A and S equal to 1 for cat of B. S equal to 1 for cat of A and S equal to 0 for cat of B. So last option correct होगी. यहाँ से आप compare कर सकते हैं. ये question के according notation पे अगर जाएंगे तो ये मैंने capitalize कर दिया, तो आप ये compare कर सकते हैं. B के लिए S 0 है और A के लिए S 1 है. डी ऑप्शन करेक्ट बन गया. पेज नंबर 80, प्रॉब्लम नंबर 6. स्टेटमेंट रीड करके ट्राई करिए.
सर बैक स्लाइड भी होना है पेज नंबर 80 प्रॉब्लम नंबर 6 द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइज स्टेट वेव फंक्शंस ऑफ ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आर साई वन एंड साई टू रेस्पेक्टिवली व्हेन टू स्पिन अप इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन दिस पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग with x1 and x2 denoting the position of the two electrons correctly represent the space part of the ground state wave function of the system. आपको यहाँ पे both electron के लिए spin up statement में mention किया हुआ है और spin up है तो जो spin state बनेगा वो आपको यहाँ पे confirm हो गया psi spin स्पिन अप स्टेट है बोथ का. अब आप ये बताइए ये आपको पहले डिस्कस किया है कि सिमेट्रिक बनेगा अगर एक्सचेंज करेंगे तो वेव फंक्शन अनचेंज रहेगा तो दिस स्पिन पार्ट इज सिमेट्रिक और टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए. अब आपको स्पेस पार्ट का कंफर्म हो गया यहां पे कि स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा. अब आप यहां पे पॉसिबिलिटी चेक कर लें एंटी सिमेट्रिक के लिए साई वन एक्स वन साई टू एक्स वन ये रॉन्ग हो गया. देखो एंटी सिमेट्रिक के लिए डिफरेंट साइन में आएंगे बोथ टर्म्स तो बी और सी तो एंटी सिमेट्रिक के लिए नहीं है. डी ऑप्शन वन बाई रूट टू साई वन एक्स वन साई टू एक्स टू एक्सचेंज किया तो साई वन एक्स टू साई टू एक्स वन तो डी ऑप्शन करेक्ट बन गया. वन बाई रूट टू साई वन साई टू एक्स टू माइनस साई वन एक्स टू साई टू एक्स वन डी ऑप्शन करेक्ट बन गया. पेज नंबर 82 प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 82 प्रॉब्लम नंबर 3 कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल फर्मियंस ईच ऑफ मास एम इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ विड्थ ए टेक द पोटेंशियल इनसाइड द वेल टू बी जीरो एंड इग्नोर द स्पिन. अब स्टेटमेंट में मेंशन किया लास्ट सम प्रॉब्लम्स में मैंने स्पिन भी इंक्लूड किया है स्पेस पार्ट भी इंक्लूड किया बट यहाँ पे मेंशन कर दिया इग्नोर स्पिन इट मींस जो कंडीशन टोटल वेव फंक्शन पे है वो अब स्पेस पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन पे फुलफिल होगा. द कंपोजिट वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम विद टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर ये आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पोटेंशियल नॉन इंटरेक्टिंग पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग है कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी सिस्टम के लिए एनर्जी बोथ पार्टिकल की एनर्जी का सम बनेगा और इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर मैंने एन वन एन टू नोट कर लिया. फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर एन वन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए एनर्जी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर. अनदर पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर एन टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर ये सिस्टम की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी नोट कर दिया मैंने. अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं अगर ये पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम स्क्वायर फैक्टर कॉमन ले लें तो यहाँ से एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर आपको कन्फर्म हो गया This is 5 और ये 5 होने से n1 n2 की पॉसिबिलिटीज आपको कंफर्म हो गए. n1 1 हो सकता है दैट वैल्यू के लिए n2 2 होगा. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी n1 2 हो सकता है देन n2 1 बनेगा. ये टू पॉसिबिलिटीज हैं और दीज टू पॉसिबिलिटीज के लिए जब आप वेव फंक्शन
इनसाइड द पोटेंशियल वेल फाइंड करेंगे साई एक्स वन एक्स टू, सपोज मैंने इसको वन लिख दिया दिस पॉसिबिलिटी के, या ये वन टू लिख दिया बोथ क्वांटम नंबर्स के टर्म्स में, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर वन यूज करना है और सेकेंड पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर टू यूज करना है। यहाँ पे जो लास्ट में नोटेशन वाइज लाइक दिस नोट किए थे, अब यहाँ पे आपको फॉर्म प्लेस करना है। तो एन इक्वल्स वन स्क्वायर रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स वन बाई ए, और एन इक्वल्स टू प्लेस करेंगे कोऑर्डिनेट एक्स टू प्लेस करेंगे स्क्वायर रूट टू बाई ए, ये स्क्वायर हो गया साइन टू पाई एक्स टू बाई ए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर टू है, सेकंड के लिए वन है, तो साई टू एक्स वन साई वन एक्स टू रूट टू बाई ए साइन, अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर टू प्लेस करना है तो टू पाई एक्स वन बाई ए, सेकंड पार्टिकल के लिए फिर से रूट टू बाई ए साइन एन वैल्यू वन प्लेस करेंगे तो पाई एक्स टू बाई ए। ये इंडिविजुअल दीज टू पॉसिबिलिटीज के लिए वेव फंक्शंस नॉट हो गए, और कोई एक पॉसिबिलिटी के लिए जो यहाँ पे वेव फंक्शन बनेगा एन वन एन टू एक्स वन एक्स टू, जो प्रोडक्ट बार से आपको कंफर्म होगा, तो यहाँ पे साई एन वन एक्स वन साई एन टू एक्स टू, और इसको आप पार्टिकल बॉक्स के वेव फंक्शन से रिलेट करेंगे तो रूट टू बाई ए साइन एन वन पाई एक्स वन बाई ए मल्टीप्लाइड बाई साइन एन टू पाई एक्स टू बाई ए। ये आप फॉर्म में एन वन एन टू की वैल्यूज प्लेस करके ये पॉसिबल वेव फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं, बट इसका आपको लाइक दिस सुपरपोजिशन कर रहा है क्योंकि स्पिन इग्नोर कर रहा है, तो टोटल वेव फंक्शन एंटीसीमेट्रिक बने, और एंटीसीमेट्रिक के लिए अब आपको चाहे तो यहाँ पे नॉर्मलाइज करने के लिए आप वन बाई रूट टू फैक्टर इंक्लूड करेंगे साई वन टू एक्स वन एक्स टू माइनस साई टू वन एक्स वन एक्स टू। अब ये फॉर्म साई वन टू और साई टू वन का फॉर्म प्लेस करेंगे तो नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए ये मैंने वन बाई रूट टू इंक्लूड किया है, और जब यहाँ से रूट टू बाई ए फैक्टर इंक्लूड करेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया साइन पाई एक्स वन बाई ए साइन टू पाई एक्स टू बाई ए माइनस साइन टू पाई एक्स वन बाई ए मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई एक्स टू बाई ए। ये वेव फंक्शन फॉर्म बनेगा। इस पार्ट में नॉर्मलाइज फॉर्म नहीं बनाया है, बाकी फैक्टर्स को आप कंपेयर करें तो ओनली ये पार्ट यूज किया है, तो वन बाई रूट टू फैक्टर इंक्लूड नहीं किया है। अभी ऑप्शन को कंपेयर कर लीजिए साइन पाई एक्स वन बाई ए साइन टू पाई एक्स टू बाई ए माइनस साइन टू पाई एक्स वन बाई ए साइन पाई एक्स टू बाई ए, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। वन मिनट वेट करेंगे। बहुत लोग आते हैं सर के घर। अरे बोल भाई कुछ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 82, प्रॉब्लम नंबर टू, पेज नंबर 82, प्रॉब्लम नंबर टू, स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए।
पेज नंबर 82, प्रॉब्लम नंबर 2, द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 6 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्पिन हाफ प्लेस इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ विड्थ एल। यहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर में एनर्जी के एडिशन के फॉर्म से भी हिंट किया था, और इजी वे क्या होगा जब आपको एनर्जी कैलकुलेट करना हो कि सिंगल पार्टिकल एनर्जी आप यहाँ पे सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट कर लें। और यहाँ पे मैं जस्ट आपको एन की क्या वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू क्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि गैप यहाँ पे जो पहले आपको करेक्ट पार्ट बताया है वो यहाँ पे बाय चांस नॉट ना हो, ठीक है। तो जो पहले पॉइंट किया है अगर चाहे तो आप दैट पार्ट को, अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग गैप यहाँ पे शो कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कितने पार्टिकल्स किस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और एक पार्टिकल के एनर्जी में कितना कंडीशन है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हिंट करता हूँ। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी का फॉर्म सिंगल पार्टिकल के लिए आपको कंफर्म है, एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, जब सिस्टम में वन पार्टिकल होगा तो स्टेट्स होंगी सिंगल पार्टिकल स्टेट्स। ये आगे कहीं वर्ड पहले यूज भी हुआ है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी यूज होगा, सिंगल पार्टिकल स्टेट्स। तो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स का मीनिंग क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म में आप वन पार्टिकल ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी और उसके आइगन फंक्शन का फॉर्म क्या है। एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो आप nth स्टेट के लिए एप्सिलॉन n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर विड्थ l दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको 6 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है और स्पिन हाफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। तो ईच स्टेट में मैंने आपको ये हिंट किया था क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन आपको नोन है, 2s प्लस 1 मैक्सिमम पार्टिकल इन ए सिंगल एनर्जी स्टेट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इससे लेस सिस्टम की एनर्जी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 2 और n इक्वल्स 3 ये पार्टिकल के एनर्जी लेवल थे, उनमें मैंने पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब सिस्टम की मिनिमम एनर्जी आपको क्वेश्चन में पूछा है, इट मीन्स लोएस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको सिस्टम के लिए फाइंड करना है, मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टू पार्टिकल्स n इक्वल्स 1 में है, n इक्वल्स 1 के लिए यहां से आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो वन पार्टिकल का कंडीशन पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर आएगा। अगर इनको नंबरिंग कर दें पार्टिकल्स को, फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल, तो बोथ पार्टिकल की एनर्जी को सम करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा। फिर नेक्स्ट टू पार्टिकल्स की एनर्जी को सम करेंगे तो एनर्जी इक्वल होने से फिर से 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे n इक्वल्स 2 प्लेस करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर वन पार्टिकल का कंडीशन है, 2 पार्टिकल्स हैं तो इसलिए 2 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट स्टेट में फिर से 2 पार्टिकल्स हैं और n इक्वल्स 3 में 1 पार्टिकल की एनर्जी का कंडीशन 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर, 2 से एडजस्ट करेंगे तो 14 टाइम पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर बनेगा। तो मिनिमम एनर्जी के लिए लास्ट लेक्चर में भी आपको प्रॉब्लम डिस्कस किया था, ये भी मिनिमम एनर्जी के लिए है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेज नंबर 82, और ये पेज नंबर गलत नोट हो गया है, ये 4 होगा, 84, ये भी 84 होगा। पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल, द वन इलेक्ट्रॉन स्टेट्स आर गिवन बाय साई एन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, वट वुड बी द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साई एक्स वन एक्स टू इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज टू हैव द सेम स्पिन स्टेट। देखो अभी सेम अप्रोच पे आपको
मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था, यहाँ पे स्पिन इग्नोर कर रहे थे, बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको स्पिन इंक्लूड करना है, बट पार्टिकल के लिए मेंशन किया हुआ है बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड टू हैव द सेम स्पिन स्टेट, और सेम स्पिन स्टेट के लिए बोथ इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो अप अप हो सकता है या डाउन डाउन हो सकता है, और जैसे ही ये पॉसिबिलिटी लेंगे, दीज टू पॉसिबिलिटीज आपको सिमेट्रिक पार्ट में बताई हुई है। तो यहाँ से स्पिन वेव फंक्शन का आपको आइडिया मिल गया कि स्पिन वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, और जब स्पिन सिमेट्रिक होगा तो टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक बनेगा। स्पिन इग्नोर कर रहे थे तब भी स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक था, अगर स्पिन पार्ट सिमेट्रिक लेंगे तब भी स्पेस पार्ट आपको एंटी सिमेट्रिक बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑल टाइम एंटी सिमेट्रिक ही बनाना है, जब ये एंटी सिमेट्रिक होगा तब ये सिमेट्रिक बन जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया वेव फंक्शन के लिए, तो भैया ने 1/√2 का कंडीशन आपको बताया नॉर्मलाइज पार्ट के लिए, बट प्रॉब्लम में ये √2 फैक्टर वहां इंक्लूड नहीं था, ये पार्ट आपको वहां पे नॉन नॉर्मलाइज के लिए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का ऑप्शन वहां प्रेजेंट था ये पार्ट, बट इस प्रॉब्लम में चेक करिए नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर्म दिया है, तो एंटी सिमेट्रिक नॉर्मलाइज के लिए 1/√2 फैक्टर लिया है। लास्ट प्रॉब्लम से ओनली नोटेशन का चेंज है, विड्थ आपकी बार आपको एल यूज करना है, तो सेकंड ऑप्शन एंटी सिमेट्रिक है, बाकी या तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक बनेंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए वो नॉर्मलाइज पार्ट के लिए जो कंडीशन मैंने 1/√2 इंक्लूड किया था वो यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हुआ है, तो 2/L लोएस्ट एनर्जी के लिए अगर स्पिन सेम ले रहे हैं तो एक पार्टिकल आपको n इक्वल्स 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और एक n इक्वल्स 2 में, तो n इक्वल्स 1 के लिए साइन पाई एक्स 1/L साइन 2π एक्स 2/L माइनस 2/L साइन 2π एक्स 1/L एक्सचेंज करेंगे मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई एक्स 2/L, तो ये फॉर्म एंटी सिमेट्रिक के लिए आपको यूज करना है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 84/1 स्टेटमेंट रीड कर लिए, ये पहले आपको मोर टाइम डिस्कस हो गया है। द स्पेशल पार्ट ऑफ ए टू इलेक्ट्रॉन स्टेट इज सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज, स्पेस पार्ट आपको सिमेट्रिक दिया है, इफ कट ऑफ स्पिन अप एंड कट ऑफ स्पिन डाउन रिप्रेजेंट द स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट रेस्पेक्टिवली ऑफ ईच पार्टिकल, द स्पिन पार्ट ऑफ द टू पार्टिकल स्टेट, स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये आपको लास्ट लेक्चर में भी हिंट किया था, आज भी आपको हिंट किया है। ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट बनेगा, ये आप ऑप्शन में कंपेयर करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 83 प्रॉब्लम नंबर 4। थ्री आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स ऑफ मास एम आर कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल बट आर अदरवाइज फ्री, इट मीन्स इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ एल, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया है। एज्यूमिंग दैट दे आर नॉन इंटरेक्टिंग द एनर्जीज ऑफ द लोएस्ट टू एनर्जी आइगन स्टेट्स इन यूनिट्स ऑफ पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, लोएस्ट टू एनर्जी स्टेट्स के लिए आपको ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइज स्टेट ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। तो पहले सिंगल पार्टिकल एनर्जीज यहाँ पे यूज आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दीज एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करना है, सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल बट इन्हीं पार्टिकल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेंशन किया हुआ है थ्री आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल। जब स्पिन हाफ पार्टिकल मेंशन कर दिया
तो ईच एनर्जी सिंगल पार्टिकल स्टेट में आप मैक्सिमम 2s+1 पार्टिकल फिल कर सकते हैं। तो टू पार्टिकल्स तो आपने यहाँ पे फिल किए, अगर आप थर्ड भी यहाँ पे फिल कर देते तो एनर्जी लोएस्ट बन जाता, बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स मेंशन किया है, तो थर्ड पार्टिकल नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ये एन इक्वल्स 1, ये एन इक्वल्स 2 और ये एन इक्वल्स 3। अब यहाँ से सिंगल पार्टिकल के लिए एक्सप्रेशन एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्वेयर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वेयर आप यूज करेंगे, तो सिस्टम की लोएस्ट एनर्जी आपको फाइंड करना है, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम और एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है। तो टू पार्टिकल्स आप एन इक्वल्स 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वन पार्टिकल आप एन इक्वल्स 2 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 6 टाइम्स पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर, ये लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनेगा। अब आपको फर्स्ट एक्साइटेड नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट्स के लिए फिर से सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स यहां पर रिप्रेजेंट किए। अब आप यहां पे अगर वन पार्टिकल यहां पे फिल करें, नेक्स्ट जो आपको यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, तो आपको नेक्स्ट हायर एनर्जी के लिए आपको पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये गैप मिनिमम है, इसलिए वन पार्टिकल आप यहाँ पे और फिल कर दें। अब पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये पार्टिकल को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते या ये पार्टिकल को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, वो एनर्जी अलाउड तो होंगी बट वो नेक्स्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए नहीं है, किसी हायर स्टेट्स के लिए वो होंगी। तो हमें लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि सिस्टम की एनर्जी आपको ग्राउंड स्टेट से हायर हो बट रिमेनिंग स्टेट से लेस हो। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट सक्सेस स्टेट of the system, तो वन पार्टिकल है n इक्वल्स 1 में और टू पार्टिकल्स हैं n इक्वल्स 2 में, बीज को ऐड करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर। ऑप्शन में पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर के मल्टीपल फैक्टर के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए 6 और फर्स्ट स्टेट के लिए 9, तो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी 6 एंड 9 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 एम एल स्क्वायर बनेगा। ये ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सर हाँ जी, चलिए फास्ट एक्साइटेड स्टेट वाला फिर से समझा दीजिए। जैसे को मैक्सिमम पे लिमिट है आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल से कि आप ईच सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट में, नॉट इन लेवल, सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट में आप मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स फिल कर सकते हैं 2s+1 से। तो यहाँ पे इस पार्ट में तो एनर्जी मिनिमम था, नेक्स्ट सिस्टम की नेक्स्ट एनर्जी पे जाना है और नेक्स्ट हाई एनर्जी पे जाने के लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद से, तो ये आपके माइंड में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पार्टिकल को आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो मैं ये आपको ये हिंट कर रहा हूँ कि ये एनर्जी वैलिड तो है सिस्टम के लिए बट जरूरी नहीं कि नेक्स्ट लेवल पे ही आएगा, नेक्स्ट नंबर पे ही हो। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि जो आप ग्राउंड स्टेट को रेफरेंस ले रहे हैं, आप ये पार्टिकल सेम रखते, ये पार्टिकल को यहाँ पे ले जाते, वो भी अलाउड होगा बट किसी हायर स्टेट्स के लिए होगा। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने क्या किया कि यहाँ से 2 पार्टिकल्स यहाँ पे फिल कर दिए, जो आपको ये यहाँ पे शो किया हुआ है। अब इसमें जो भी लीस एनर्जी बनेगा वही तो ग्राउंड स्टेट से हायर बनेगा, ग्राउंड स्टेट के लिए तो डिसीजन आपने कर लिया, इससे नेक्स्ट एनर्जी के लिए आपको इस एनर्जी से हायर एनर्जी
और बाकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम से लेस एनर्जी वाली स्टेट्स को फाइंड करना है। तो आप ये चेक करें दीज टू लेवल के बीच का जो गैप है, आपको टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस इनफाइनाइट पोटेंशियल लेवल में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे गैप मिनिमम आता है। तो पहले अगर पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे अगर वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप पहले यहाँ पे पार्टिकल का नंबर इंक्रीज करेंगे तभी तो लोएस्ट बनेगा। बोलिए, यहाँ पे इस लेवल की सिंगल पार्टिकल की एनर्जी है 4 times और यहाँ पे है 1 times, दोनों के बीच का डिफरेंस बना 3 times। ये गैप अगर आप चेक करें तो 3 times पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 IML² है, बट ये गैप को अगर आप चेक करें तो ये 5 times है। तो नेक्स्ट एनर्जी पे जाने के लिए तो पहले नेक्स्ट लेवल का जो गैप बन रहा है उसी पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, बस थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 6। पेज नंबर 84, प्रॉब्लम नंबर 6। द लोएस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कन्फाइंड इन ए 1-dimensional बॉक्स ऑफ साइज एल इज 2 ev. सिंगल पार्टिकल के लिए लोएस्ट एनर्जी, अगर nth स्टेट पे जाएं सिंगल पार्टिकल के लिए, जो आपको नोटेशन मैंने एप्सिलॉन n रिप्रेजेंट किया है, सपोज विड्थ l के लिए आप m मास ले रहे हैं पार्टिकल का, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 IML², ये सिंगल पार्टिकल की एनर्जी का नोटेशन है, बट स्टेटमेंट में मेंशन का लोएस्ट सिंगल पार्टिकल एनर्जी, तो n को 1 करेंगे तो ये एप्सिलॉन 1 आपको कंफर्म हो गया, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 IML², ये स्टेटमेंट में आपको 2 eV दिया है। द एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, देखो ग्राउंड स्टेट वर्ड पार्टिकल के लिए भी यूज होगा और सिस्टम के लिए भी, बट दोनों की एनर्जी को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे एनर्जी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 IML² 1 पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी था, जबकि सिस्टम की चेक करिए 6 है। तो सिस्टम की एनर्जी पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ 3 non-interacting स्पिन हाफ पार्टिकल्स, यहाँ पे भी सेम था, बट अब की बार आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा हुआ है। 3 particles के लिए सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम और नंबर ऑफ पार्टिकल और टाइप ऑफ पार्टिकल स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है। नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ, तो मैक्सिमम आप इस पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैक्सिमम 2 particles इन ईच स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 particles n इक्वल्स 1 में फिल करें और 1 particle n इक्वल्स 2 में फिल करें, तभी एनर्जी सिस्टम के लिए मिनिमम बनेगा। तो 2 πs² h² / 2 IML² और 4 πs² h² / 2 IML² और ये वैल्यू आपको यहाँ पे ये फैक्टर की वैल्यू 2 eV दिया हुआ है। तो अभी भी इसी पार्ट में अगर आप, बट जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे तो साथ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ तो रेफरेंस के लिए है, इसी में आप ये वैल्यू को चेक कर लें, ये 2 times कर दें तो आपको रिजल्ट बन जाता है। तो प्रॉब्लम डिफरेंट, सेम कंसेप्ट पे डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 83, प्रॉब्लम नंबर 8। स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए।
पेज नंबर 83 प्रॉब्लम नंबर 8 स्टेटमेंट रीड करिए। लास्ट लेक्चर में जो पॉइंट्स बताए हैं और जो आपको आज प्रॉब्लम के थ्रू पॉइंट बताए हैं उनको आप करेक्टली अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट आएंगे। डिस्कस करते हैं। इफ वन डायमेंशनल बॉक्स कंटेन्स वन स्पिन जीरो पार्टिकल एंड फोर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया फोर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, यहाँ पे आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं किया, बट आगे अगर आप कंपेयर करें ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम मास, हेंस द सिंगल पार्टिकल एनर्जीज आर एन स्क्वायर ई, एन गोज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। वन डायमेंशनल बॉक्स मेंशन किया हुआ है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को अगर आप चेक करें तो अभी लास्ट सम प्रॉब्लम्स में आपने सेम कंसेप्ट यूज किया है, ये एनर्जी अब की बार ई दिया हुआ है। फाइव पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, बट फाइव में से फोर पार्टिकल्स वन टाइप के हैं और फिफ्थ पार्टिकल अंदर टाइप का है, स्टेटमेंट में स्पिन से आपको हिंट किया हुआ है। तो फोर पार्टिकल्स तो आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और वन पार्टिकल बोजॉन है। बोजोन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडिविजुअली मोर नंबर ऑफ बोजोन को आप किसी भी सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ बोजोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बोजोन और फर्मियोन मिक्स करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट अगर फोर फर्मियोन्स का नंबर सफिशियंट है तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट पे फिर फर्मियोन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये मैं पहले लीस्ट पॉसिबिलिटी लीस्ट एनर्जी ऑफ सिस्टम की पॉसिबिलिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये n इक्वल्स वन, ये n इक्वल्स टू और ये n इक्वल्स थ्री सिंगल पार्टिकल के लिए लेबल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग n राइट के लिए भी सेम रहेंगे। अब सिस्टम के लिए पहले फर्मियोन्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैक्सिमम टू फर्मियोन्स यहाँ पे आएंगे, मैक्सिमम टू फर्मियोन्स यहाँ पे आएंगे, बट जो फिफ्थ पार्टिकल है वो आप यहाँ पे भी फिल कर सकते थे, यहाँ पे भी फिल कर सकते थे, यहाँ पे भी फिल कर सकते थे, बट आपको लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उससे एनर्जी मिनिमम बने। और मिनिमम कब होगा? जब यहाँ पे एन इक्वल्स वन, जो लीस्ट एनर्जी है वन पार्टिकल के कंडीशन के एनर्जी कंडीशन में, तो ये आप बोजोन को मैंने यहाँ पे डिफरेंट पार्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये डार्क जो पार्ट है बोजोन के लिए है और जो होलो पार्ट आपको शो किए हैं वो फर्मियोन्स के लिए है, तो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम का मिनिमम बनेगा। अब नेक्स्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए अगर आप ये फर्मियोन्स को अगर आप यहां से मूव करा के इस स्टेट में मूव कर दे रहे हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, बट बोजोन को आप मूव करा सकते हैं, तो यहां पे मैंने बोजोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं इसी में अगर पॉसिबल है तो नेक्स्ट गैप के लिए मिनिमम गैप के लिए पार्टिकल को मूव कराएंगे, तो इस केस में एनर्जी सिस्टम का मिनिमम बनेगा और इस केस में फर्स्ट स्टेट पे जाएगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो अब यहां पे थ्री पार्टिकल्स हैं, सभी का मास सेम है और मास सेम होने से पार्टिकल बॉक्स में जो एनर्जी आएगा वो सेम बनेगा, तो थ्री पार्टिकल्स कॉरस्पॉन्डिंग एन इक्वल्स वन में एनर्जी कंडीशन बना ई वन पार्टिकल के लिए और थ्री पार्टिकल्स मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट स्टेट में टू पार्टिकल्स हैं और वन पार्टिकल का एन इक्वल्स टू में कंडीशन एनर्जी का हो रही, तो ये 11 ई बन गया। एनर्जी ऑफ फर्स्ट सक्सेस स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो यहां पे आप इस पार्ट के लिए फाइंड करेंगे तो टू पार्टिकल्स एन इक्वल्स वन में आपने फिल किए हैं और थ्री पार्टिकल्स आई इक्वल्स टू टू में आपने फिल किए हैं,
तो ये 14 टाइम्स ऑफ ई बन गया। अब ये ऑप्शन में आप सेलेक्ट करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 81 प्रॉब्लम नंबर 12 बहुत जल्दी से ट्राई करिए। तो अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हैं वहां पे एनर्जी जो सिंगल पार्टिकल के लिए एनर्जी था वो नॉन डिजेनरेट था, तो आपने ईच स्टेट में फर्मियॉन्स के लिए 2s+1 पार्टिकल्स आपने फिल कर दिए, ईच लेवल में भी 2s+1 पार्टिकल फिल कर दिए, बोजोन आपने एनी नंबर ऑफ बोजोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बट जब कभी सिंगल पार्टिकल एनर्जीज डिजेनरेट होंगी तो आपको डिजेनरेसी के कॉरस्पॉन्डिंग पहले लेबल्स को रिप्रेजेंट करके, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करके तब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो रिजल्ट करेक्ट आएंगे। अब टू डायमेंशनल बॉक्स मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और टू डायमेंशनल बॉक्स के लिए डिजेनरेट स्टेट्स बताइए, सम स्टेट्स डिजेनरेट थी। द एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, वन पार्टिकल के लिए इन टू डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ एल, ये आपको पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस की हुई है वन पार्टिकल के लिए, बट मैं रिकॉल करने के लिए फिर से स्टेटमेंट नोट किया। वहां पे टू क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है एनर्जी, एक एनएक्स और एनवाई, एनएक्स स्क्वेयर प्लस एनवाई स्क्वेयर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एन एक्स एन वाई कितने लेवल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आप चेक कर सकते हैं। ये एनर्जी मैंने सिंगल पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट कर लिया, सम एनर्जीज मैंने यहाँ पे शो किया, एन एक्स एन वाई को वन किया तो ये एनर्जी बन गया टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी, कोई एक क्वांटम नंबर को यहाँ पे वन लेंगे, अनदर को टू लेंगे, यहाँ पे ये डिजेंडेसी भी रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसी एक ही स्टेट है। फाइव पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर के लिए टू स्टेट्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एनर्जी पे जाएंगे तो बोथ क्वांटम नंबर्स आपने फोर ये टू किया तो ये फोर फोर कंडीशन एट टाइम्स हो जाएगा, बट वो नॉन डिजेनरेट बनेगा। तो ऐसे ही आपको अगर डिजेनेसी का आइडिया होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं आपको मिस्टेक नहीं होगा, ये आपको पहले डिस्कस किए हुए हैं। ये पॉइंट्स अगर आपको रिकॉल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम में डाउट नहीं होना चाहिए। सिंगल पार्टिकल लेवल्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ये एनर्जी इस पार्ट के लिए, इस एनर्जी पे टू स्टेट्स हैं तो मैंने वो स्टेट्स लाइक दिस शो कर दिया है। और ये आपको हिंट होना चाहिए कि ये स्प्लिटिंग नहीं है, जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्प्लिटिंग करते हैं तो मैं गैप लाइक दिस शो करते हैं, मैंने ये जस्ट ये शो किया है कि एक ही लेवल पे इसी एनर्जी पे ये टू स्टेट्स हैं जिससे आप करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए।
अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट पे आइए, मैंने वहां पे आपको नोट कराया है, फॉर ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल फर्मियंस विद स्पिन एस देर आर 2s मैक्सिमम 2s प्लस 1 पार्टिकल इन सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट और क्वांटम एनर्जी स्टेट। सिंगल पार्टिकल के लिए जो एनर्जी स्टेट बनेगा, लेबल पे मैंने हिंट किया कि डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनर्जी स्टेट पे या क्वांटम स्टेट पे रेस्ट्रिक्शन है। अब आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे सिक्स ए टू डायमेंशनल स्क्वायर रिजिड बॉक्स ऑफ साइड एल कंटेन्स सिक्स नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एट टी इक्वल टू जीरो। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एम, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा है, सिक्स इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टू आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो अगर ये मैं शो नहीं करता तो आप टू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते और फिर आप नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट होती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिक्स इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अपर लिमिट फिक्स है, बट यहाँ पे आप अब फोर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होगा, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन्स इस क्वांटम एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और टू इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये आपको पहले से पता होना चाहिए जो बताया हुआ है पहले, तो ये पार्ट अगर एक्सक्लूड करें तो प्रॉब्लम में मोर टाइम नहीं लगेगा, बट ये आप डाउट क्रिएट करते हैं सम स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आप क्योंकि ये कंसेप्ट लेस टाइम यूज हुआ है टू डायमेंशनल बॉक्स का, तो हो सकता है आप भूल गए हों, जो कंसेप्ट मोर देन 20 और 50 टाइम्स डिस्कस कर दिए उन पर भी आप लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने पहले वो एक्सप्लेन किया फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो यहाँ पे ये एनर्जी में टू पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वन पार्टिकल का कंडीशन आपको यहाँ पे कंफर्म है। नेक्स्ट इस एनर्जी में आप फोर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वन पार्टिकल का कंडीशन है 5π² h² / 2 mL². हम बीस को ऐड कर लीजिए तो 24 टाइम्स इन यूनिट्स ऑफ π² h² / 2 mL². अब इस फैक्टर का मल्टीपल फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स में आप 24 और आंसर की में चेक कर लीजिए, ये वहां पर 24 आपको फिल करना है। तो अभी भी मगर मैंने यहाँ इस लेवल में फोर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो एनर्जी स्टेट पे है, सिंगल पार्टिकल के लिए जो एनर्जी स्टेट है उस पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप मैक्सिमम 2s प्लस 1 पार्टिकल फिल करेंगे, लेवल पे डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे लेवल पे रेस्ट्रिक्शन बना टू फोल्ड डिजेनरेसी से फोर पार्टिकल्स का, जबकि स्टेट पे अभी भी 2s प्लस 1 रेस्ट्रिक्शन मेंटेन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 81 प्रॉब्लम नंबर 10 स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए।
स्टेटमेंट से सभी को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको क्या कैलकुलेशन करना है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हैं, सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी और सिस्टम के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट एनर्जी का कैलकुलेशन आपने मोस्टली प्रॉब्लम में किया है। बट इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अगर आप रीड करेंगे तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे हिंट किया है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 8 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल्स ऑफ स्पिन 3/2 इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल। द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन यूनिट्स ऑफ पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर इज। तो प्रॉब्लम में मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं है, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो पहले आपको मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर कंफर्म होगा तभी आप आगे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो करेक्ट आएंगे। द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पार्टिकल के लिए नहीं है, सिस्टम के लिए। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। मिनिमम एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट टू लेवल के बिटवीन जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो मिनिमम होगा, इसलिए वहां पे सिस्टम को एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। तो पहले आपको सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड लेवल एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा, फिर दीज टू लेवल की एनर्जी का डिफरेंस। अगर ग्राउंड लेवल एनर्जी, आप ये सिस्टम के लिए एनर्जी लेवल मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए, ये E1 और ये E2, तो आपको यहाँ पे सिस्टम इनिशियली इस लेवल में है, E1 में है और E2 में एक्साइट करना है। तो एक्साइट करने के लिए जो यहाँ पे डिफरेंस होगा वो आपको E2 - E1 की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप डेल्टा ई पे फाइंड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये ग्राउंड लेवल एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड लेवल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करने के लिए आपको कंस्टेंट्स ऑफ द सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कंडीशंस आपको पहले बताए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिंगल पार्टिकल लेवल्स में, ये एनर्जी लेवल्स सिंगल पार्टिकल के लिए हैं। तो सिंगल पार्टिकल के लिए आपको ये n=1, n=2, n=3 इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए मोर टाइम आपको हिंट हो गया। तो n=1, n=2, n=3 जितने भी आपको यहाँ पे स्टेट्स रिक्वायर्ड होंगी वो आप यूज करेंगे। तो 8 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन 3/2 पार्टिकल्स दिए हैं और ईच सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट में मैंने आपको ये हिंट किया, क्योंकि ये नॉन डीजनरेट है तो ये लेवल के अकॉर्डिंग जितना नंबर लेवल का है उतना ही नंबर स्टेट का आएगा। मैक्सिमम 2 नहीं बताया मैंने, मैक्सिमम 2s+1 बताया। तो s आपको दिया हुआ है 3/2 और 2s+1 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू 4 आएगा। तो 4 पार्टिकल्स आप n=1 में फिल करेंगे और 4 पार्टिकल्स n=2 में फिल करेंगे, तो इससे सिस्टम की एनर्जी मिनिमम बनेगा। The energy of ground level of the system जो यहाँ पे E1 बताया हुआ है और यहाँ पे n=1 में 4 particles distribute कर रहे हैं और each particle का energy का condition है π²h² / 2s² 4 पार्टिकल्स आप n=2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 1 पार्टिकल की एनर्जी का कंडीशन है
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू में एन को टू प्लेस करेंगे तो फोर टाइम्स पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर, तो ये 20 टाइम्स पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। अब दीज लेबल्स में सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट्स में आप फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सिस्टम की फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की एनर्जी फाइंड करने के लिए। अब आप यहां पे चेक करें, कोई भी पार्टिकल यहां से यहां पे तो मूव नहीं करा सकते, आप यहां से यहां पे मूव करा सकते हैं, यहां पे मूव करा सकते हैं, और ये पार्टिकल को आप यहां पे भी मूव करा सकते थे, बट जैसे ही आप यहां पे मूव कराएंगे तो ये गैप बनेगा 9 में से 1 8 टाइम्स, और जबकि यहां से यहां पे मूव कराएं तो ये गैप बनेगा, ये 9 में से 4 डिफरेंस किया तो 5 टाइम्स। तो पहले आप मिनिमम गैप के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी सिस्टम के लिए आपको फाइंड हो जाएगा। ये पॉइंट सभी को कंफर्म हुआ? आप वन पार्टिकल को एन इक्वल्स टू से हटा के एन इक्वल्स थ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गैप जो वैकेंसी अवेलेबल है फिल करने के लिए पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे यही गैप मिनिमम बनेगा जिससे नेक्स्ट एनर्जी आपको पता चलेगा। यहाँ पे गैप मिनिमम है बट यहाँ से आप पार्टिकल को मूव यहाँ पे नहीं करा सकते क्योंकि मैक्सिमम लिमिट पहले आपको यहाँ पे कंफर्म है 4 4, जो मैक्सिमम लिमिट पे पार्टिकल्स का नंबर था वो आपने पहले ही फिल किए हुए हैं, तो यहाँ पे तो आप ये गैप तो अलाउड ही नहीं होगा, यहाँ पे गैप इसमें मूव कराना तो अलाउड नहीं है, तो नेक्स्ट गैप पे आप जाएंगे तो नेक्स्ट गैप यही मिनिमम है जो पॉसिबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने 4 पार्टिकल्स यहाँ पे सेम रखे, ये 4 में से 3 पार्टिकल्स एन इक्वल्स 2 में और 1 पार्टिकल्स एन इक्वल्स 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड लेवल ऑफ द सिस्टम, जो आपको यहाँ पे नोटेशन E2 बताया है, तो 4 पार्टिकल्स n इक्वल्स 1 में है और ईच पार्टिकल की एनर्जी का कंडीशन n इक्वल्स 1 में पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर। 3 पार्टिकल्स n इक्वल्स 2 में है और 1 पार्टिकल्स n इक्वल्स 3 में। और ये ऐड करेंगे तो 25 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर बनेगा। अब आप यहां पे ये गैप फाइंड करने के लिए E1 और E2 आपको नोन हो गए, ये डिफरेंस करेंगे तो 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर बना है। अगर यहां पे पार्टिकल के लिए पूछा होता तो पार्टिकल के लिए मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन आप यहाँ पे चेक करें तो ये गैप मिनिमम बनता है जो 3 टाइम्स बनेगा, बट यहाँ पे सिस्टम के लिए ये 5 टाइम्स हो गया, क्योंकि जो सिस्टम की एनर्जी लेवल्स हैं जरूरी नहीं कि वो पार्टिकल के एनर्जी लेवल से मैच करें क्योंकि नंबर ऑफ कंस्टेंट्स वहां पे चेंज हो रहा है। तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर के मल्टीपल फैक्टर को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है तो ये आपको कंफर्म हो गया 5 टाइम्स बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 86 पे 1। देखो मोस्टली प्रॉब्लम मैंने एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए डिस्कस किया है तो एनर्जी वाली कैलकुलेशंस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टू आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम एंड स्पिन हाफ आर प्लेस्ड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल। फिर से वन डायमेंशनल बॉक्स का प्रॉब्लम है। In quantum mechanics, the lowest possible value of the total energy of these two particles is epsilon zero. देखो ये जो notation दिया है epsilon zero वो single particle की energy के लिए नहीं है, अब two particles को distribute करने के बाद जो system की energy आएगा that part के लिए energy दिया हुआ है। Lowest possible value, lowest possible value कब आएगा? जो these levels में up to particles n equals आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ से मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, तो 2 पार्टिकल्स अगर आप n इक्वल्स 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब आपको ये एनर्जी एप्सिलॉन 0 बनेगा, तो 2 टाइम्स पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर बनेगा। हम स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करें,
इफ इंस्टीड फोर सच पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2L, यहाँ पे लेंथ L था, अगर लेंथ 2L लेंगे तो 2L के लिए फिर ये नोटिस एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा वन पार्टिकल के लिए, ये 2L के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे पार्टिकल आप 2 ले रहे थे और यहाँ पे पार्टिकल्स आप ले रहे हैं 4, तो आउट ऑफ 4 पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स तो आप n इक्वल्स 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 2 पार्टिकल्स n इक्वल्स 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर से सिस्टम का लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी पूछा है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन 0, तो ये सपोज एनर्जी E है और 2 पार्टिकल्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं n इक्वल्स 1 में, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m विड्थ स्क्वायर और विड्थ इन दिस केस इज 2L, 2 पार्टिकल्स n इक्वल्स 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज किए और विड्थ भी चेंज किया है, अब ये पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर की वैल्यू को आप एप्सिलॉन 0 के टर्म्स में प्लेस करेंगे, ये 2 का स्क्वायर, यहां पे मैंने सेपरेटली 4 कंडीशन नोट कर दिया, अब ये कंडीशन यहां से एप्सिलॉन 0 के टर्म्स में नोट कर सकते हैं। ये 2 4 टाइम एडजस्ट होगा, अभी ऑप्शन में कंपेयर कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया, पेज नंबर 86 प्रॉब्लम नंबर 3, a quantum mechanical system consists of one dimensional infinite box as indicated in the figure below, three identical non interacting spin half particles are first placed in the box and ground state energy of the system is found to be e0 is equal to 18 electron volt, if 7 such identical particles are placed in the box what would be the ground state energy in units of electron volt, आपको यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी और लास्ट सम प्रॉब्लम्स में कि जैसे जैसे कंस्टेंट्स का नंबर चेंज करते जाएंगे सिस्टम का एनर्जी चेंज होता जाएगा, तो पहले आप यहाँ पे 3 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब की बार विड्थ चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर रहे हैं, तो 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं जो आप मैक्सिमम 2 इन वन एनर्जी स्टेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिंगल पार्टिकल एनर्जी सिस्टम में मैक्सिमम 2s प्लस 1 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहां से नोटेशन आपको e0 दिया है, 2 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2s ml स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2s ml स्क्वायर, तो ये 6 और ये 6 टाइम पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2s ml स्क्वायर की वैल्यू को प्रॉब्लम में 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो आपको यहां से कंडीशन पता चल गया पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2s ml स्क्वायर इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तब है जब आप 3 पार्टिकल्स स्पिन हाफ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अगर आप सिमिलर सिस्टम सिमिलर सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स में आप 7 पार्टिकल्स स्पिन हाफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिस्टम का लोएस्ट एनर्जी क्या आएगा, दैट पार्ट पूछा है, सपोज न्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी e0 dash, अब 7 पार्टिकल्स हैं स्पिन हाफ के तो मैक्सिमम 2 पार्टिकल इन सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
तो टू पार्टिकल्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एन इक्वल्स वन में, टू पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एन इक्वल्स टू में, टू पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एन इक्वल्स थ्री में, और वन पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एन इक्वल्स फोर में। अगर आप यहां से पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू आईस एम एल स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये कंडीशन फर्स्ट सम से टू बनेगा, नेक्स्ट से कंडीशन एट, यहां से 18 और ये 16, ये ऐड कर लीजिए और ये वैल्यू आपको यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में ये आपको वैल्यू कंफर्म हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 85, प्रॉब्लम नंबर 11, स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए, ये भी एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए है। आकांक्षा अग्रवाल किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैसेज किए हैं सर, थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड जी अभी जो बताया आपने 86 पे थर्ड जी ऑप्शन दिया है सर 132 नहीं, अच्छा मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू नहीं दिया है ना, नहीं ऑप्शन नहीं दिया है इसमें बुक में, नहीं क्वेश्चन ये कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेट करना है आपको जी जी ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू TIFR में हो सकता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करना हो, जैसे गेट पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स वाली प्रॉब्लम्स हैं उसी तरह का आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके फिल करना होगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। पेज नंबर 85 प्रॉब्लम नंबर 11, consider a system of 15 non-interacting spin polarized electrons. They are trapped in a two-dimensional isotropic harmonic oscillator potential. V function of xy, half m omega square x square plus y square. The angular frequency omega in such that h cross omega is equal to 1 in some chosen unit. What is the ground state energy of the system in the same units? पहले आपको सिंगल पार्टिकल के एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करने हैं और पोटेंशियल टू डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, और इस पार्ट के लिए आपको एनर्जी डिस्कस किया था एन प्लस वन एच क्रॉस ओमेगा एंड डीजेनरेसी इज एन प्लस वन, ये पॉइंट रिकॉल हो गए होंगे सभी को। जब सिंगल पार्टिकल लेवल्स आप रिप्रेजेंट करेंगे तो n वैल्यू यहां पे 0 से स्टार्ट होता है, जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एनर्जी बनेगा h क्रॉस ओमेगा,
एन इक्वल टू जीरो के लिए और सिंगल स्टेट यहाँ पे बनेगा, बट जैसे ही आप एन इक्वल वन लेंगे, वन के लिए आपको टू लेवल्स, सॉरी वन एन इक्वल वन के लिए टू स्टेट्स बनेंगी और ईच स्टेट की एनर्जी बनेगी ट्वाइस एच क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट एन इक्वल्स टू के लिए थ्री स्टेट्स बनेंगी एन इक्वल्स थ्री के लिए फोर स्टेट्स बनेंगी एन इक्वल्स फोर के लिए फाइव स्टेट्स बनेंगी, कितनी रिक्वायर्ड होंगी वो भी डिस्कस करेंगे, बट मैंने सम एनर्जीज आपको यहाँ पे हिंट कर दिया, सम एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट कर दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी स्टेट्स होंगी वो आपको हिंट कर दिया, ये फॉर्म कहाँ से आया है वो आपको पोटेंशियल फॉर्म डिफाइन किया हुआ है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पिन पोलराइज वर्ड यूज किया है, अगर ये पोलराइज वर्ड यूज नहीं करता और 15 इलेक्ट्रॉन्स कहा होता तो मैक्सिमम 2s प्लस 1 से आप टू पार्ट टू इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के दीज एनर्जीज स्टेट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बट स्पिन पोलराइज से आपको अब कंफर्म है कि स्पिन कंपोनेंट ऑल 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन कंपोनेंट या तो आप अप हो सकते हैं या डाउन डाउन हो सकते हैं। स्पिन पोलराइज इलेक्ट्रॉन का जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है उससे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन आप लेके चलेंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स की या सभी के लिए डाउन लेके चलेंगे, अप और डाउन की चॉइस नहीं होगी यहाँ पे पोलराइज वर्ड से, ये आपको स्टर्न गलनांक एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, अनपोलराइज्ड बीम और पोलराइज्ड बीम दैट टाइम पे मैंने हिंट किए थे जब मैग्नेटिक फील्ड से उसको पास कराते हैं तो अप वाले इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आपको स्पॉट पोजीशन बनता है, और जो डाउन वाले होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्पॉट पोजीशन देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से पास करने से पहले वो पोलराइज्ड बीम का कंसेप्ट अनपोलराइज्ड बीम का कंसेप्ट था, तो सिंगल बीम टू पोलराइज्ड बीम में स्प्लिट होता है वो स्टर्न गलनांक एक्सपेरिमेंट में आपको हिंट किया हुआ था। तो अगर यहाँ पे पोलराइज्ड वर्ड नहीं होता तो ईच दीज एनर्जी स्टेट्स में आप टू इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे अपोजिट स्पिन के, बट यहाँ पे पोलराइज्ड वर्ड से ये पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो गई, आपकी चॉइस है या तो आप स्पिन कंसिडर कर लें या डाउन डाउन कंसिडर कर लें, और जब आप पोलराइज्ड वर्ड लेंगे तो आप स्पिन सेम वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो एमएस वैल्यू की सिंगल पॉसिबिलिटी है, सेम एमएस होगा डिफरेंट एमएस नहीं होगा, इसलिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट ना हो, आप सिंगल एनर्जी स्टेट में आप वन पार्टिकल्स फिल करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो आपको ये सभी को अब कंफर्म हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे 15 लेवल्स रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए 15 एनर्जीज रिप्रेजेंट किए हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए आपको 15 एनर्जी स्टेट्स रिक्वायर्ड होंगी पोलराइज्ड वर्ड से, अगर अनपोलराइज होता तो आप 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो आप चेक कर लीजिए नंबर 5 यहाँ पे फिल कर दिया, 4 यहाँ पे, 9, 3 यहाँ पे, 5 और 4, 15 फिल करने हैं तो 3 तो यहाँ तक आ गए, 6, 10 और ये 15। अब इनकी एनर्जी को आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो n इक्वल टू 0 में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी एनर्जी यहाँ से आपने चेक किया तो h क्रॉस ओमेगा। अब n इक्वल्स टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ईच के लिए एनर्जी यहां से है 2h क्रॉस ओमेगा। नेक्स्ट
एन इक्वल्स टू में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ईच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 3H+ओमेगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 4H+ओमेगा। नेक्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ईच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 5H+ओमेगा। भी ऐड कर लीजिए, H क्रॉस ओमेगा का मल्टीपल फैक्टर चेक कर लीजिए। H क्रॉस ओमेगा 1 दिया है ना सर इसमें? हाँ जी, H क्रॉस ओमेगा का मल्टीपल फैक्टर आपको वहां पे फिल करना है। H क्रॉस ओमेगा 1 करेंगे तो ये तो वैल्यू बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 83, प्रॉब्लम नंबर 9, पेज नंबर 83, प्रॉब्लम नंबर 9। Spin half fermions of mass m and 4m are in a harmonic potential Vx is equal to half kx square. Which configuration of such four particles has the lowest value of ground state energy? आपको यहाँ पे potential defined किया है half kx square और इस potential में आप अगर m मास का पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, m मास का पार्टिकल कंसीडर करेंगे इस पोटेंशियल में, तो ओमेगा वैल्यू स्क्वायर रूट k बाई m से फॉर मास m पार्टिकल, वन पार्टिकल मास m का ले रहे हैं तभी ये ओमेगा बनेगा। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी, सपोज मैंने ओमेगा वन कर लिया इसको और ये ओमेगा नॉट कर दिया स्क्वायर रूट के बाई एम को, हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू ले रहे हैं, वन पार्टिकल अगर आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ आपको 4m, तो जब यहाँ पे 4m प्लेस करेंगे तो ये ओमेगा बाई टू बन जाएगा फॉर मास 4m पार्टिकल, क्योंकि आपको h क्रॉस ओमेगा रिक्वायर्ड होगा एनर्जी कैलकुलेशन के लिए, बट m मास वाला पार्टिकल कितना कंडीशन करेगा और 4m मास वाला पार्टिकल कितना कंडीशन करेगा वो आपको दीज ओमेगा के कंपेरिजन से आइडिया रहेगा। Which configuration for such particles, such four particle, four such particles has the lowest value of ground state energy? अब यहाँ पे energy calculation करेंगे particles के लिए, system की lowest energy पे जाना है, तो four particles हैं यहाँ पे, four particles के corresponding n plus half each particle की energy का condition बनेगा h cross omega part. इसको ओमेगा डैश कर दिया मैंने। अब सिस्टम के लिए अगर इसको एन आई और इसको ओमेगा आई कर लें तो ये आपको फोर पार्टिकल्स के लिए ऐड करना है। फर्स्ट के लिए कितना कंडीशन है, सेकंड के लिए कितना है, थर्ड के लिए कितना है। अब स्टेटमेंट में आपको स्पिन हाफ फर्मियोन्स लिखा है, अब स्पिन हाफ फर्मियोन्स आप सेम मास वाले मैक्सिमम टू ही पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है सिंगल एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम 2s+1 पार्टिकल्स, और यहां से आपको 2 पार्टिकल्स आएंगे ऑफ ईच टाइप, इट मींस मास m के भी 2 फिल कर सकते हैं, मास 4m के भी आप 2 फिल कर सकते हैं, क्योंकि m
और 4m वाले पार्टिकल्स आइडेंटिकल नहीं है, तो आइडेंटिकल प्रेसिशन था वो आपको मैंने हिंट किया। तो ईच टाइप के आप मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम पॉसिबिलिटी चेक करें, जो ऑप्शन में जो फॉर्म लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे किस में मिनिमम बनेगा। तो 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m मेंशन किया हुआ है, जब 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और रिमेनिंग 2 पार्टिकल्स n इक्वल्स 1 में जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा जब n इक्वल टू 0 में 2 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए और ईच पार्टिकल वहां पे कंडीशन देगा हाफ एच क्रॉस ओमेगा का m मास के लिए। यहाँ पे n इक्वल टू 0 में आप 2 पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनकी एनर्जी मैंने यहाँ पे एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 नॉट कर दिए। और n इक्वल्स 1 में 2 पार्टिकल्स जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 पार्टिकल का कंडीशन वहां पे मिलेगा 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो चाहे आप इसको ऐड कर लें चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये एनर्जी को अगर आप ऐड करेंगे दीज टू एनर्जी 3 बन गई और यहाँ से ये 1 बन गई, तो 4 एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी बना। सेकेंड ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करिए 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m। अब की बार 4m के पार्टिकल्स जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां से एनर्जी ओमेगा 2 के टर्म्स में आएगा। फिर से एक रेस्ट्रिक्शन है, जब सेम टाइप के 4 पार्टिकल्स ले रहा है तो आप मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स n इक्वल टू 0 में फिल करेंगे। तो अब की बार n इक्वल टू 0 में जब 4m वाले पार्टिकल फिल किए तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा टू और 2 पार्टिकल्स n इक्वल्स 1 में फिल करेंगे तो 3/2 एच क्रॉस ओमेगा टू। जब ये आपने एनर्जी को ऐड किया तो ये 4 एच क्रॉस ओमेगा 2 बनेगा और ओमेगा 2 की वैल्यू प्लेस किया तो ये 2 एच क्रॉस ओमेगा बनेगा। दीज टू ऑप्शंस आपको कंफर्म हो गए कि यहां पे एनर्जी 4 एच क्रॉस ओमेगा और यहां पे एनर्जी 2 एच क्रॉस ओमेगा। दीज टू ऑप्शन में 4 पार्टिकल्स ई आप सेम टाइप के फिल कर रहे थे, जहां पे रेस्ट्रिक्शन से आप मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स ईच स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल फॉर्म है। अब अगर आप थर्ड ऑप्शन के लिए चेक करें तो थर्ड ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है 1 पार्टिकल ऑफ मास m एंड 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m। तो 4m मास के जो 3 पार्टिकल्स हैं उन 3 पार्टिकल्स में से मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स आप n इक्वल टू 0 में फिल करेंगे तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी का कंडीशन h क्रॉस ओमेगा 2/2 h क्रॉस ओमेगा 2/2 मास 4m वाले 2 पार्टिकल का कंडीशन एनर्जी का ये बनेगा। बट इसी n इक्वल टू 0 लेवल में क्योंकि अब m वाला मास का पार्टिकल अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो इनके आइडेंटिकल नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। तो ये आप कंडीशन लेंगे तो h क्रॉस ओमेगा बाई 2 बनेगा m मास वाले पार्टिकल के लिए। अब 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए और जो 4m मास का जो रिमेनिंग पार्टिकल है वो n इक्वल्स 1 में जाएगा और उससे कंडीशन 3 h क्रॉस ओमेगा 2 बाई 2 बनेगा। अब ओमेगा 2 की वैल्यू प्लेस कर दें तो यहां से एच क्रॉस ओमेगा 2 और ओमेगा 2 दैट इज ओमेगा बाई 2 दीज टू टर्म से एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 और 3/4 एच क्रॉस ओमेगा इस कंडीशन से ये ऐड कर लीजिए। ये 7/4 एच क्रॉस ओमेगा। अब डी ऑप्शन पे जाएं 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m। तो 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m n इक्वल टू 0 और 1 कहीं पे भी आप फिल करके आप चेक करें कि किसमें लीस्ट कंडीशन बनेगा। मैंने यहां पे 2 पार्टिकल्स मास m के n इक्वल टू 0 में फिल किए और 2 पार्टिकल्स
मास एम के लीस एनर्जी के लिए, क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं, बट फोर पार्टिकल्स म्यूचुअली आइडेंटिकल नहीं है, तो आप एन इक्वल टू जीरो में बोथ टाइप के आप फोर पार्टिकल्स फिल कर सकते हैं, ईच टाइप के मैक्सिमम टू पार्टिकल्स, बट बोथ टाइप के आप एन इक्वल टू जीरो में फिल कर सकते हैं, तो एच क्रॉस ओमेगा टू बाई टू, तो ट्वाइस एच क्रॉस, ये कंडीशन एच क्रॉस ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, और यहां से ओमेगा टू की वैल्यू प्लेस किया, ये टू एडजस्ट हो गया, तो एच क्रॉस ओमेगा टू बाई टू, और ये एनर्जी को कंपेयर किया तो ये थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा बनेगा। अब ये एनर्जी को आप कंपेयर कर सकते हैं, दीज फोर एनर्जीज में क्या एनर्जी लीस्ट है, ये 1.5 एच क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू को भी चेक कर लीजिए और ये वैल्यू को चेक कर लीजिए। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 इंक्लूड कर लें तो 6/4 बना, इट मीन्स ये वैल्यू इससे हायर है, तो इनमें लीस एनर्जी फोर्थ ऑप्शन वाली एनर्जी लोएस्ट है। ये प्रॉब्लम सभी को कंफर्म हो गया? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर ऑप्शन सी बता देंगे एक बार फिर से, ऑप्शन सी का एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट को जरूर रीड कर लीजिए तभी आपको कंफर्म होगा, वन पार्टिकल मास एम का है और थ्री पार्टिकल्स फोर एम के हैं, जब थ्री पार्टिकल्स फोर एम के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फोर एम पार्टिकल्स जो मैंने होलो से रिप्रेजेंट कर लिए तो मैक्सिमम टू पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे और वन पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, बट जो एम मास का पार्टिकल है वो इनके आइडेंटिकल नहीं है, आप यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे उसको यहाँ पे भी, बट लीस एनर्जी के कंडीशन के लिए आप मिनिमम एनर्जी स्टेट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। बोथ के लिए एनर्जी का कंडीशन डिफरेंट है, बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप चेक करिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन, ये टर्म बना है एच क्रॉस ओमेगा बाई टू, दीज टू पार्टिकल्स के लिए कंडीशन वन के लिए एच क्रॉस ओमेगा टू बाई टू, अनदर के लिए एच क्रॉस ओमेगा टू बाई टू, और इस पार्टिकल का जो एनर्जी का कंडीशन है वो एन इक्वल्स वन में होने से थ्री बाई टू एच क्रॉस ओमेगा टू बना। ये ओमेगा टू और ओमेगा वन नोटेशंस मैंने पहले ही स्पेसिफाई किए हैं जिससे आपको आइडिया रहे, क्योंकि अब से पहले जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो मोस्टली प्रॉब्लम आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे, सबका मास सेम था, इस प्रॉब्लम में मास डिफरेंट होने से आपको क्या इफेक्ट आएगा एनर्जी पे वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, हायर मास वाले पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी लेस आएगी, वो आपको यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल फोर पार्टिकल्स की एनर्जी को नोट किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 85, प्रॉब्लम नंबर 7 एंड पेज नंबर 85 प्रॉब्लम नंबर 9। पहले 7 डिस्कस करते हैं। सपोज द स्पिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 21 डायमेंशनल हिल्बर्ट सबस्पेस विच अमोंग द फॉलोइंग कुड बी द स्पिन ऑफ वन ऑफ दीज पार्टिकल्स। देखो आपको हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन दिया है और लास्ट लेक्चर में आपको मैंने हिंट किया था कि अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और एन पार्टिकल्स आप ले रहे हैं स्पिन एस के, तो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन स्टेट 2s+1n बताया था, बट अगर पार्टिकल्स ईच पार्टिकल का स्पिन डिफरेंट है तो 2s1+1, 2s2+1, 2s3+1, 2sn+1 का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स बनता है। तो अगर आप यहाँ पे आपको ये हिंट नहीं किया कि स्पिन सेम है या डिफरेंट है, बट आप जब टू पार्टिकल्स लेंगे तो आपको कंडीशन बनेगा टू, अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स टू स्पिन सेम ले लेते पार्टिकल्स का तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर 21 बन सकता है? ये पॉइंट को एक बार जरूर क्लियर करें जो मैंने हिंट किया है। यहाँ से आपको ये हिंट है कि स्पिन सेम नहीं होगा, ये कभी भी 21 नहीं बनेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर 21 नहीं बनेगा। सभी को कंफर्म हुआ? तो इट मींस अब आपको यहाँ पे स्पिन डिफरेंट लेना है, और जैसे ही डिफरेंट लेंगे ये क्वेश्चन में आपको
ये प्रोडक्ट टू पार्टिकल्स के लिए इंडिविजुअल स्पिन स्टेट्स बनेंगी 2s1 प्लस 1 और 2s2 प्लस 1, बट सिस्टम के लिए बनेंगी दीज का प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट स्टेटमेंट में हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन 21 दिया है, तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके 21 की पॉसिबिलिटी के लिए, कि ये कंडीशन 3 आ जाए और ये कंडीशन 7 आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट की वैल्यू 7 हो जाए, नेक्स्ट की वैल्यू 3 हो जाए, 21 की पॉसिबिलिटीज के लिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 × 21 और नेक्स्ट 21 × 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं 21 होने के लिए। दीज टू से कोई एक पार्टिकल का स्पिन ये 2s1 प्लस 1 जैसे ही प्लेस किया, तो यहां से आपको कंफर्म हो रहा है इस पॉसिबिलिटी से s1 वैल्यू 1 है और s2 वैल्यू 2s2 प्लस 1 को 7 रखेंगे तो 2s2 वैल्यू आपको 6 बन गया, तो s2 वैल्यू आपको 3 बन गया। यहां से s1 3 है, s2 1 है, यहां पे s1 वैल्यू 0 है और यहां पे s2 वैल्यू 10 है, यहां पे s1 वैल्यू 10 है और s2 वैल्यू 0 है। अब दीज पॉसिबिलिटीज को ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए। विच अमोंग द फॉलोइंग कुड बी द स्पिन ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, 1 और 3 दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये इस कोई एक पार्टिकल का स्पिन 1 और 3 कुछ भी हो सकता है, दीज टू पॉसिबिलिटी बताया हुआ है। 0 और 10 भी करेक्ट है, बट ऑप्शन में अगर सेलेक्ट करें तो ना तो 0 दिया हुआ है, ना ही 10 दिया हुआ है, ना ही 1 है, 3 दिया हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटीज कोई एक पार्टिकल का स्पिन 3 हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। इनमें कोई भी पॉसिबिलिटी आता वो करेक्ट हो जाता, बट दीज पॉसिबिलिटी में आपको बी ऑप्शन में स्पिन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटी इंक्लूड किया हुआ है। सिमिलर अप्रोच सेम पेज पे 9th प्रॉब्लम में है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये हिंट कर दिया है। सपोज द स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल्स नॉन जीरो रेस्ट मास एंड नॉन जीरो स्पिन, जब नॉन जीरो स्पिन है तो अब आपको ये पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाएंगी यहाँ पे, 2s1 प्लस 1 और 2s2 प्लस 1, ये आपको 21 दिया है, तो s1 और s2 की पॉसिबिलिटीज 1 और 3, ये पॉसिबिलिटीज ओनली प्रेजेंट रहेंगी, ये पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो गई क्योंकि नॉन जीरो वर्ड से आपको स्पिन किसी भी पार्टिकल का 0 कंसीडर नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पिन वन ऑफ द पार्टिकल, आप चेक करिए प्रॉब्लम सिमिलर है, सेम है, ये डायमेंशन सेम दिया था बट ऑप्शन आप चेक करें वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे अब की बार ऑप्शन में कहीं पे 3 नहीं है, जब 3 नहीं है तो स्पिन 1 वाला ऑप्शन करेक्ट बन गया है जो थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 80, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 80, प्रॉब्लम नंबर 3। टू स्पिन हाफ फर्मियॉन्स Having spins S1 and S2 interact via a potential V function of vector R is equal to S1 dot S2 multiplied by V0 function of magnitude of R. The contribution of this potential in the singlet and triplet state respectively. आपको statement में mention किया है 2 spin half fermions और both fermions के लिए spin क्वांटम नंबर हाफ हाफ आप कंसीडर करेंगे, तो सिस्टम के लिए रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर 0 और 1 आएंगे, ये आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया हुआ है, मोर टाइम आपको ये हिंट हुआ है लास्ट लेक्चर में। अब S1 dot S2 फाइंड करने के लिए आपको सिस्टम का रिजल्टेंट स्पिन वेक्टर फाइंड करना है, जो आपको लास्ट लेक्चर में ये हिंट किया है कि इंडिविजुअल पार्टिकल के स्पिन वेक्टर का ये संबंध है। अब अगर यहां से आप S square फाइंड करें, S1 square plus S2 square
प्लस ट्वाइस एस वन डॉट एस टू बनेगा, वन पार्टिकल के स्पिन कंपोनेंट अनदर पार्टिकल के स्पिन कंपोनेंट से कम्यूट करेंगे, इसलिए ट्वाइस हो गया। दिस टर्म रिप्रेजेंट स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन टर्म। जो सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हैं स्पिन इंक्लूड तो कर रहे थे बट स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन नहीं था वहां पर। तो स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन टर्म जो यहाँ पे पोटेंशियल में इंक्लूड हो रहा है ये फाइंड करने के लिए आप यहां से एस स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर बाई टू यूज करेंगे, और ये ऑपरेटर के टर्म्स में है और ऑपरेटर का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एस एस प्लस वन, एस स्क्वायर की आइगन वैल्यू आपको हिंट किया था, एस वन प्लस वन ये वन फर्स्ट पार्टिकल के लिए, एस टू प्लस वन ये सेकेंड पार्टिकल के लिए एस स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हैं। एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन आ गया और टू पहले से प्रेजेंट है। ये एस वन डॉट एस टू फाइंड करने के लिए क्वांटम नंबर्स आपको नोन है, आपको ये टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो सिंगलेट के लिए आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि स्पिन वैल्यू जीरो बनेगा और एस को आप जीरो करेंगे और एस वन एस टू यहाँ पे हाफ है, ओनली एस वैल्यू चेंज हो रहा है सिंगलेट और ट्रिपलेट वर्ड से। ये इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, वो सेम रहेंगे। और यहाँ पे जैसे ही प्लेस करेंगे एस वन डॉट एस टू ये टर्म जीरो, ये हाफ हाफ प्लस वन, ये हाफ हाफ प्लस वन, तो ये टर्म थ्री बाई फोर, ये टर्म थ्री बाई फोर सेम साइन में है, एड हो गए। ट्रिपलेट के लिए एस वैल्यू वन लेंगे, जब ये टर्म यहां पे एस वैल्यू वन प्लेस करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म टू बनेगा, नेक्स्ट टर्म थ्री बाई फोर और थ्री बाई फोर, ये बोथ टर्म ऐड होके थ्री बाई टू बनेंगे। तो ये डिफरेंस जो ब्रैकेट टर्म है वो वन बाई टू कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए एस वन और एस वन डॉट एस टू का क्या कंडीशन होगा वो आपको मैंने हिंट कर दिया। प्रॉब्लम में कहीं पे एच क्रॉस इंक्लूड नहीं किया है, एच क्रॉस को वन कर देंगे तो यही कंडीशन आपको माइनस थ्री बाई फोर और वन बाई फोर बनेंगे। तो यहां से आप वी का कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, माइनस थ्री बाई फोर एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट, और ये कंट्रीशन पोटेंशियल में एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर वी नॉट। बट ऑप्शन में एच क्रॉस नहीं है तो एच क्रॉस को वन करके जो फैक्टर है वो आप कंपेयर कर लेंगे। पहले सिंगलेट के लिए है फिर ट्रिपलेट के लिए, एच क्रॉस को वन किया तो माइनस थ्री बाई फोर वी नॉट एंड वन बाई फोर वी नॉट, डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। जो प्रॉब्लम पूछा था वो कंप्लीट हो गया, बट इसी पार्ट से आप पॉली स्पिन ऑपरेटर्स के टर्म्स में आप पार्टिकल का स्पिन आप डिफाइन कर सकते हैं। जो पॉली स्पिन थ्योरी में बताया था फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल एस इज डिफाइंड एज एच क्रॉस बाई टू सिग्मा आई, तो टू पार्टिकल्स के लिए आप सिग्मा वन सिग्मा टू नोटेशन यूज करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल का नंबर वन ले रहे हैं और सेकेंड के लिए टू ले रहे हैं, तो एस वन डॉट एस टू आपको पता है, इसकी वैल्यूज आपको अभी नोट कराई, एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर एंड माइनस थ्री बाई फोर, और यही वैल्यू एच क्रॉस बाई टू यहां से मिलेगा, एच क्रॉस बाई टू यहां से बनेगा, तो सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू की वैल्यूज भी आपको पता चल गई। ये स्पिन वन के लिए, ये स्पिन जीरो के लिए, सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू जब यहां पे एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू स्पिन वन के लिए वन बनेगा।
और स्पिन जीरो के लिए सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू माइनस थ्री बनेगा। ये वैल्यूज कंफर्म हो गई सभी को, ये आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पिन वन के लिए सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू वन बनेगा और स्पिन जीरो के लिए सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू माइनस थ्री बनेगा। स्पिन वन ट्रिपलेट और स्पिन जीरो सिंगलेट लास्ट लेक्चर में बताए हुए, ओनली ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। ये वैल्यू एस वन डॉट एस टू टू स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए एच क्रॉस बाई टू सिग्मा प्लेस करेंगे तो ये टर्म स्क्वायर हो गया, सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू बनेगा। एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर ये टर्म एडजस्ट हो जाएंगे तो इसका जो मल्टीपल फैक्टर है एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर का वो सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू की वैल्यू बताएगा स्पिन वन के लिए स्पिन जीरो के लिए। सभी को क्लियर है दीज पॉइंट्स? आगे जहां कहीं रिक्वायर्ड होंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 81 प्रॉब्लम नंबर 8 The polymatrices for three spin half particles are sigma 1, sigma 2 and sigma 3. ये individual particle के लिए poly spin operator के notations बताए हुए हैं। The dimension of Hilbert space required to define an operator O is equal to sigma 1 dot sigma 2 cross sigma 3. आपको कोई operator का definition दिया है सिग्मा वन डॉट सिग्मा टू क्रॉस सिग्मा थ्री, इट मीन्स लाइक ए डॉट बी क्रॉस सी। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट वॉल्यूम और वॉल्यूम के लिए थ्री साइड रिक्वायर्ड होती हैं। तो थ्री साइड रिक्वायर्ड होंगी तो यहां से वन पार्टिकल के लिए स्पिन स्टेट्स आपको पता है, ईच पार्टिकल के लिए स्पिन स्टेट आपको नोन है, तो इसको ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए आपको थ्री पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं। और जब रिक्वायर्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे जो हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन बनेगा वो सिस्टम के लिए नंबर ऑफ स्पिन स्टेट बनेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पिन स्टेट्स, और यहां से वन पार्टिकल के लिए 2s प्लस वन से टू स्टेट्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स थ्री हैं तो ये एट स्पिन स्टेट्स बनेंगी, डायमेंशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एट बनेगा। नेक्स्ट 85 पे प्रॉब्लम नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हूज हैमिल्टोनियन इज एच प्लस जे एस वन डॉट एस टू, वेयर एस वन एंड एस टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। स्टेटमेंट में मेंशन किया टू इलेक्ट्रॉन्स, सपोज दिस न्यू हैमिल्टोनियन इज रिप्रेजेंटेड बाई एच डैस। अब इस एच के लिए जो एनर्जी है वो स्पिन से इंडिपेंडेंट है। सपोज दिस एनर्जी ई है, अगर इस एनर्जी में आप ये स्पिन कंट्रीब्यूशन से स्पिन इंट्रैक्शन टर्म को इंक्लूड कर लें तो यहां से आप मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और ये वैल्यू आपको बोथ पार्टिकल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर आपको कंफर्म हो गया कि वो हाफ बनेगा, इलेक्ट्रॉन मेंशन किया हुआ है। सिस्टम के लिए रिजल्टेंट स्पिन आपको पता चल गया कि वन और जीरो बनेगा। अब यहाँ पे ई डैश की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी बनेगा ई प्लस इस एस वन डॉट एस यू की वैल्यू, अभी आपको कंफर्म किया था स्पिन वन के लिए जे एच क्रॉस स्क्वायर
जे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये टर्म का कंडीशन एच क्रॉस स्क्वायर बाई फोर स्पिन वन के लिए, और स्पिन जीरो के लिए क्योंकि टू ही पॉसिबिलिटीज हैं, दीज टू पॉसिबिलिटीज के लिए एस वन डॉट एस टू की टू वैल्यूज आ रही हैं, तो इसलिए एनर्जी की भी यहाँ पे टू वैल्यूज बनेंगी। ये टर्म सेम होगा और एस वन डॉट एस टू स्पिन जीरो के लिए माइनस थ्री बाई फोर एच क्रॉस स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ई में सम अमाउंट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे सम अमाउंट डिफरेंस कर रहे हैं, तो दिस इज मैक्सिमम एनर्जी, दिस इज मिनिमम एनर्जी, तो डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी तो फर्स्ट टर्म एक्सक्लूड हो गया और ये टर्म जे एच क्रॉस स्क्वायर बन गया। एच क्रॉस को वन कर दें, क्योंकि ऑप्शन में एच क्रॉस इंक्लूड नहीं किया, तो डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। देखो सेम अप्रोच था इस प्रॉब्लम में भी, एस वन डॉट एस टू की वैल्यू फाइंड करना है, कहीं ये रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच है और इस पार्ट में भी सेम है। अब इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करके ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। कंसिडर टू स्पिन हाफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए एंड बी सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस आर इंटरेक्टिंग थ्रू ए पोटेंशियल वी फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू वी नॉट वाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर एस ए डॉट एस बी वेयर वी नॉट इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड स्पिन्स आर एस ए बी इज इक्वल टू सिग्मा। Where sigma represents polyspin matrices. तो ये जो S notation है, अब की बार spin operator half h cross sigma नहीं है, यहाँ पे sigma notation बताया हुआ है। तो actual में ये आपको जो notation बन गया अब S A dot S B वो like polyspin operator का condition बन गया है, जो आपको note कराया हुआ है। ये value वन बनेगा और माइनस थ्री बनेगा, एस इक्वल टू वन के लिए, एस इक्वल टू जीरो के लिए। अब यहाँ पे इंक्लूड कर दें तो वी नॉट बाई आर और माइनस थ्री वी नॉट बाई आर, सिंगलेट के लिए, ये सिंगलेट के लिए, ये ट्रिपलेट के लिए, ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए। सिंगलेट के लिए माइनस थ्री वी नॉट बाई आर, ट्रिपलेट के लिए वी नॉट बाई आर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। Write the energy eigen functions write that space part spin part and टोटल वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट टू स्टेट्स
ऑफ ए ट्वाइस एच ई थ्री और ब्रैकेट में चाहे तो ट्वाइस एच ई फोर हीलियम एटम सिंगल हीलियम एटम के लिए स्पेस पार्ट स्पिन पार्ट और टोटल वेव फंक्शन नोट करना है। ये हीलियम एटम टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सपोज इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ये लेबल रिप्रेजेंट कर दिया, ये सिंगल पार्टिकल लेवल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लेवल। तो टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आपको यहां पर नोट करना है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन लिखना है। राइट द स्पेस पार्ट स्पिन पार्ट एंड टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन वर्ड यहां पे यूज कर लें, ओनली इलेक्ट्रॉन के पार्ट को यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट टू एनर्जी स्टेट्स। तो हीलियम एटम चाहे ट्वाइस एच ई थ्री हो ट्वाइस एच ई फोर हो, दिस इज टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यहाँ पे लेबल रिप्रेजेंट कर दिए, ये एनर्जी 1s के लिए है और ये 2s के लिए है, 1s 2s 2p लाइक दिस आप रिप्रेजेंट कर सकते। अब आपको पहले फर्स्ट टू एनर्जी स्टेट्स में हीलियम के लिए आपको लोएस्ट एनर्जी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो लोएस्ट एनर्जी के लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लोएस्ट एनर्जी कब बनेगा, n इक्वल्स 1 के लिए, जब बोथ इलेक्ट्रॉन्स को आप n इक्वल्स 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब एनर्जी मिनिमम बनेगा। ये पॉइंट को थोड़ा अलर्ट रहेंगे, कंपेयर करते जाए जो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट यहाँ पे एनर्जी हीलियम के लिए टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हायर बनेगा, बट अभी मैंने पहले मिनिमम एनर्जी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट ना हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेम स्पिन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। ये सभी को कंफर्म हो गया। फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम स्पेस पार्ट बोथ इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो साई 1s फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड साई 1s फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसी फॉर्म को चाहे तो आप ये नोट कर सकते थे, साई 100 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड साई 100 फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसलिए बोथ इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल वेव फंक्शन को प्रोडक्ट कर दिया स्पेस पार्ट। ये सभी को कंफर्म है, पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन। अब आप ये बताइए सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक सर। एंटी सिमेट्रिक। ये वेव फंक्शन सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है जो मैंने स्पेस पार्ट लिखा है? आप सेम ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सचेंज करेंगे तो वेव फंक्शन अनचेंज ही तो रहेगा, ये सिमेट्रिक है। अब इस हीलियम एटम के लिए जो टोटल वेव फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन वो एंटी सिमेट्रिक बनेगा। और टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक कब होगा? जब स्पेस पार्ट सिमेट्रिक ले रहे हैं तो स्पिन पार्ट सियोरली एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और ये पार्ट को आपको हिंट किया हुआ है, जब डिफरेंट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो स्पिन अप स्पिन डाउन और स्पिन डाउन स्पिन अप का एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, पहले मोर टाइम आपको हिंट हो गया नॉर्मलाइज फॉर्म, ये स्पिन वेव फंक्शन बनेगा। इसी को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, 1/√2 काई प्लस हाफ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, काई माइनस हाफ फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं। ये नोटेशंस हैं, कभी आपको ये डाउट रहे कि फंक्शन पार्ट लेना है तो आपको
ये ड्राक नोटेशन से डाउट रहे, एस को मैंने हटा दिया, ओनली एम एस को इंक्लूड किया है क्योंकि बोथ इलेक्ट्रॉन के लिए एम एस से स्टेट चेंज हो रहे हैं। दोनों मीनिंग सेम है, एम एस वैल्यूज का आपको आइडिया मिल रहा है। और आपको यहां पे अब कंफर्म है कि दीज स्टेट के लिए चाहे नोटेशन ये हो चाहे ये हो, स्पिन वैल्यू जीरो होता है। सभी को कंफर्म है? टोटल वेव फंक्शन के लिए बीज को प्रोडक्ट कर लेंगे, ये टोटल वेव फंक्शन बन गया बट ग्राउंड स्टेट के लिए। फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, टाइम हो गया है, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए आप ये 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्पेस पार्ट आपको जब नोट करना है तो स्पेस पार्ट में पॉसिबिलिटी है, टू पॉसिबिलिटीज आपको इंक्लूड करनी है। 1s ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले ले रहे हैं, तब 2s ऑर्बिटल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा, बट आपको अब ये कन्फर्म नहीं है कि श्योरली 1s ऑर्बिटल में ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो और 2s ऑर्बिटल में ही सेकंड इलेक्ट्रॉन हो। एक्सचेंज करेंगे तो 2s ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1s ऑर्बिटल में सेकंड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जब दीज टू पॉसिबिलिटीज हैं तो इनका आप सुपरपोजिशन करेंगे और सुपरपोजिशन सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। तो मैंने बोथ साइन आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं स्पेस पार्ट के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे n l m में n डिफरेंट है, l और m मैच कर रहे हैं, n डिफरेंट होने से ms पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पिन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो स्पिन की भी इंडिविजुअली थ्री पॉसिबिलिटीज बनेंगी, स्पिन अप अप हो सकता है, स्पिन डाउन डाउन हो सकता है और स्पिन अप डाउन भी हो सकता है, दोनों के डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, स्पिन डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि n चेंज होने से जरूरी नहीं कि s सेम हो, तो सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो, ms वैल्यू सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी। तो मैंने सेम वाली पॉसिबिलिटी ये लिख दी और डिफरेंट वाली पॉसिबिलिटीज में सुपर पोजिशन प्लस और माइनस कुछ भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए, जब टोटल वेव फंक्शन लिखेंगे तो टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। जब एंटी सिमेट्रिक लेंगे तो यहाँ पे स्पेस पार्ट अगर सिमेट्रिक ले रहा है 1/√2 साई 1s r1 साई 2s r2, अगर ये प्लस ले रहा है साई 2s r1 साई 1s r2, ये सिमेट्रिक ले लिया, स्पिन पार्ट यहाँ पे श्योरली एंटी सिमेट्रिक आएगा। जो फोर पॉसिबिलिटीज थी, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गया कि यहाँ से सिर्फ आप एक ही स्पिन स्टेट अलाउड होगा। ये सिमेट्रिक, अगर स्पेस पार्ट सिमेट्रिक लेंगे तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक रहेगा, यहाँ पे s वैल्यू जीरो है, बट इसी पार्ट में ये 1/√2, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्पेस पार्ट सिमेट्रिक ही हो, तो स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक पॉसिबिलिटी स्पेस पार्ट के लिए लेंगे तो स्पिन पार्ट सिमेट्रिक हो सकता है। जब स्पिन सिमेट्रिक लेंगे तो थ्री पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। इसी पार्ट में कोई भी ये थ्री स्पिन स्टेट्स मल्टीप्लाई कर सकता है।
बट दीज थ्री के लिए स्पिन वन बनेगा। तो ये फोर स्टेट्स थी, फोर के फोर कैसे अलाउड हो रही हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अगर इस पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे तो ये फोर में से लेस नंबर आएगा, बट अगर इसमें रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं किया बट अभी भी टोटल वेव फंक्शन की सिमेट्री करेक्टर एंटी सिमेट्रिक है, बट किसके साथ क्या स्पिन स्टेट आएगी वो रेस्ट्रिक्ट हो गई। अगर यहाँ प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे एस वैल्यू स्योरली जीरो बनेगा, इट मीन्स यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर यहाँ पे माइनस ले रहे हैं तो ये एस की थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, एस वन की थ्री स्टेट्स हैं, ये थ्री स्टेट्स यहाँ पे अलाउड हो सकती हैं जो यहाँ पे स्पिन करेक्टर स्पिन स्टेट का करेक्टर सिमेट्रिक ले रहे थे। तो यहाँ पे अब फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए श्योर नहीं होगा कि स्पिन वैल्यू जीरो होगा, स्पिन जीरो और वन कुछ भी हो सकता है, बट जबकि ग्राउंड स्टेट के लिए कंफर्म है कि स्पिन जीरो बनेगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट इस प्रॉब्लम का रेफरेंस लेंगे आगे किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सर अगर इस क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन ना देते और हम हीलियम एटम की बात करते, कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियस का वेव फंक्शन भी कभी आपको यूज करना हो, क्योंकि सिस्टम जो बना उसमें न्यूक्लियॉन्स भी आ रहा है, बट जब हम एटम पढ़ते हैं तो एटम में हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन ही यूज करते हैं सिंगल एटम के लिए, ठीक है। बट जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया तो एक एटम का और अनदर एटम का आपने इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन यूज किया, फिर बोथ एटम्स में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो वो बॉन्ड के स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशन भी हो सकते हैं, रोटेशन भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़े होंगे, आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ा होगा, वाइब्रेशनल पढ़ा होगा, रोटेशनल पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉनिक, कि अभी यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्ट एटम में इंक्लूड करके चल रहा है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी सर, हम स्पेस की सिमेट्री कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, स्पेस की सिमेट्री कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? अभी आपने ग्राउंड ये लेवल ग्राउंड स्टेट की करवाई, तो आपने बताया कि सिमेट्री सिमेट्री मैंने मैंने ये नहीं कहा कि ग्राउंड लेवल में स्पेस पार्ट सिमेट्रिक लेना है, मैंने ये वेव फंक्शन लिखा ग्राउंड लेवल का इस फॉर्म से, और इसको आप बोथ इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके देखिए ये वेव फंक्शन अनचेंज है, और अनचेंज होने से आपको ये बताया कि ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि सर ये सेम लेवल में, इसलिए मैं आपसे कल सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के डेफिनेशंस बताई हैं, कैसे फाइंड करना है, कैसे नोट करना है वो बताया हुआ है। मैंने अभी आपको ये बताया कि ये फॉर्म मैंने इस पार्ट से नोट कर दिया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम या ऑर्बिटल वैल्यू क्या है, 1s है, यस सर। तो ये क्वांटम नंबर आपको बताया था कि सफिक्स में क्वांटम नंबर लिखना है और आर्गुमेंट में इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट लिखना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, यस सर। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का नोटेशन, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का आर्गुमेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट बता रहा है जो NLM में मैंने यहां पे नोट कर दिया। अब आप ये बताइए ये वेव फंक्शन की सिमेट्री क्या है वो मुझे चेक करना है। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ये नोटेशन है यहाँ पे लिखा R1 R2 साई में, ठीक है। अब इसको मुझे एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करने के लिए जहां पे R2 है वहां R1 सेलेक्ट कर लिया। अब आप चेक करिए इस फर्स्ट पार्ट में मैंने 1s तो रखा, ये R2 कर दिया R1 की जगह, और सेकंड वाले पार्ट में मैंने R2 को R1 कर दिया। अब आप ये बताइए ये वेव फंक्शन इससे मैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। मैच करेगा तो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यही मैंने आपको, मैंने ये नहीं कहा कि ग्राउंड स्टेट में स्पेस पार्ट सिमेट्रिक होगा, मैंने ये बताया कि ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन स्पेस पार्ट के लिए क्या है, जब नॉट कर दिया तो उस पार्ट से कंपेयर करके बताया कि ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो स्पिन पार्ट श्योरली एंटी सिमेट्रिक बनेगा जो स्पिन जीरो के लिए आता है। यस सर। सर स्लाइड 1 एंड 2 शो कर दीजिए। मैं फर्स्ट तक शो कर दे रहा हूं। सर एक
स्मॉल सा है डाउट बट थोड़ा सा हट के पूछ लो क्या हाँ जी शिवम शुक्ला क्या पूछ रहे थे बताइए सर अगर कहीं एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि अ फोटोन ऑफ एनर्जी स्प्रेड डेल्टा ई तो सर वो डेल्टा ई की अनसर्टेनिटी मानी जाएगी ना एनर्जी फोटोन फिर से बोलिए फोटोन फोटोन ऑफ एनर्जी स्प्रेड डेल्टा ई स्प्रेड यस सर मतलब आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना एस पी आर ई डी यस सर स्प्रेड हाँ सर हाँ डेल्टा ही वो अनसर्टेनिटी बताएगा उसकी एनर्जी की अनसर्टेनिटी बताएगा ना हाँ जी कहाँ से कहाँ तक एनर्जी का रेंज आ रहा है मतलब फोटोन में भी सर अनसर्टेनिटी होती है मतलब एनर्जी की उनकी कंफर्म नहीं होती आप ये बताइए आप एक वर्ड यूज किए होंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट यस सर या मोनोक्रोमेटिक वेव यस सर ऐसा हो सकता है कि जिस एक्सपेरिमेंट के लिए आप बीम ले रहे हैं रेडिएशन का yes, sir. उसका साइज और वेवलेंथ को आप कंपेयर करें तो वेवलेंथ नेगलिजिबल हो बट yes. किसी भी आप सोर्स से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट नहीं कर सकते yes. तो उसकी वेवलेंथ में एनर्जी में आपको कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी टर्म आएगा ही ये रिकॉल करिए मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक फॉर्म बताया था आपको डेल्टा यही वेवलेंथ में बताया था yes. बताया था स्पेक्ट्रल विड्थ का एक कंसेप्ट बताया था यस सर यस सर तो फोटोन ही तो होता है वहां पे भी फोटोन एनर्जी इमिट ठीक है तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको मोनोक्रोमेटिक वर्ड यूज तो कर रहे हैं बट वेवलेंथ में एक रेंज होता है जैसे हम विजिबल पोर्शन लेते हैं विजिबल पोर्शन जिसको हम लाइट कहते हैं तो लाइट yes. आप एक रफ आइडिया लेना हो तो हम ये बता देते हैं कि वेवलेंथ इतना है बट अगर इसके फाइन लेवल पे जाएं तो वाइट या विजिबल पोर्शन ऑफ द रेडिएशन कंप्राइजेस ऑफ सेवन कलर्स और ईच कलर्स को आप डिफरेंट वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वेवलेंथ डिफरेंट लेते हैं अब उनमें भी और फाइन लेवल पे जाएं तो आप एग्जैक्टली ये बाउंड्री नहीं बता सकते एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि रेड के लिए कितना वेवलेंथ है क्या बता सकते हैं नहीं बता सकते सर ऑन एन एवरेज बता सकते हैं बट जब आप ये सेवन कलर्स शो करते हैं तो यहाँ पे एक स्प्रेड होता है वेवलेंथ में स्प्रेड यस सर तो एनर्जी में भी स्प्रेड आएगा एस सी बाई लैम्डा से जी सर और पूछना है किसी को लास्ट स्लाइड भाई हाँ जी लास्ट स्लाइड 14 लास्ट ही है ये इसी पे सर क्या बताना है सर सर मैं नोट कर रहा था वही बस नोट कर लीजिए सर हाँ जी सर अगर जो भी आपने प्रॉब्लम कराई सर यही हमें बोसोन के लिए गिवन होती तो सर हमारे लिए बोसोन के लिए सर हाँ जी तो सर वही हमारा स्पेस तो पार्ट सिर्फ सिर्फ ये पार्ट चेंज होता है हाँ सर साइन टोटल हमारा सिमेट्रिक बन जाता उसके हिसाब से हाँ जी बट एक और पॉइंट चेंज होगा अगर बोजोन के लिए स्पिन स्पेसिफाई किया हुआ है तो ये स्पिन स्टेट्स कितनी बनेंगी क्या बनेंगी वो भी चेंज हो जाएगा हाँ ओके सर वो भी सर सिमेट्रिक नेचर ये तो स्पिन हाफ के लिए बताया ना मैंने हाँ सर ये जो स्पिन की पॉसिबिलिटीज हैं वो तो स्पिन हाफ के लिए हैं अगर स्पिन वन के टू बोजोन्स ले रहे हैं तो स्पिन की जो स्टेट्स आएंगी वो आपको जीरो वन और टू ये थ्री पॉसिबिलिटीज बनी स्पिन क्वांटम नंबर की तो एक स्टेट यहां से बनेंगी थ्री स्टेट यहां से बनेंगी फाइव स्टेट यहां से बनेंगी तो टोटल आपको नाइन स्टेट्स बन गए क्लियर हुआ
सर जो ये बोजोन वाली स्टेट्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? ये भी सारे रिप्रेजेंटेशन सिमिलर वे में ही होंगे कि ms हमें पता चल जाए तो बोथ पार्टिकल्स के लिए अगर हमने स्पिन वन लिखा तो इसकी ms की थ्री पॉसिबिलिटीज होने का मतलब क्या है कि ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, ये माइनस है और ये परपेंडिकुलर है। अब आप वेक्टर्स को ऐड करते चले जाइए। मैंने ये इतना इजी बता दिया आप लोगों को, आप कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो दोनों वेक्टर का जो एमएस बनेगा वो जीरो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्वांटम नंबर क्या बनेगा यहाँ पे? दोनों वेक्टर्स अगर अपोजिट हो जाए तो क्वांटम नंबर डिफरेंस से आप फाइंड करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है परपेंडिकुलर वाली पॉसिबिलिटी में, तो जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर तो ये 2s1 डॉट s2 वाला कंडीशन जीरो हो गया। यस सर। अब यहां से हमें s सिस्टम के लिए निकालना है और इंडिविजुअल का पता है, निकाल सकते हैं। यस सर। तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज हमारी काउंट हो जाएंगी। अब उसको s और ms में प्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ s1 ms1 और s2 ms2। ये तो मैंने सेपरेट कर कैलकुलेट करना बता दिया वेक्टर डायग्राम से। इसी को रिलेट करने के लिए चाहे कोई भी स्पिन हो, चाहे हाफ हो, वन हो, थ्री बाई टू हो, सेम हो, डिफरेंट हो, आप आगे एक मेथड पढ़ते हैं सीजी कोफिशिएंट्स का, क्लेबर्स जॉर्डन कोफिशिएंट्स पढ़ते हैं। आपने मेसी लेवल पर शायद पढ़ा हो। मेसी पढ़ा हुआ है। तो सीजी कोफिशिएंट क्या होता है कि हमारे अगर हमारा इंडिविजुअल डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस है सिस्टम के रिगार्डिंग, पार्टिकल्स के रिगार्डिंग, अब उनसे हमें सिस्टम के हिल्बर्ट स्पेस को स्पेसिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है, तो उसके हमें स्टेट्स पता होनी चाहिए, टोटल सिस्टम की स्टेट्स पता होनी चाहिए, तभी तो एक्सप्लेन कर पाएंगे उसको। बट हमें सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स का रिजल्ट पता था, तो हमें सिस्टम की स्टेट्स को पार्टिकल की स्टेट्स से रिलेट करने के लिए हमें कुछ कोफिशिएंट्स चाहिएंगे, सीजी कोफिशिएंट्स जिनको हम बोलते हैं, जो आगे किसी लेक्चर में मैं हिंट करूंगा तब दैट टाइम पे उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि ये सिस्टम की स्टेट है और इसको हम पार्टिकल की स्टेट्स में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल की स्टेट्स में लाइक दिस, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं सी वन सी टू, मैंने एक इजी वे में रिलेट करने के लिए फॉर्म बता दिया, तो ये जो कोफिशिएंट्स होंगे इनको बोलेंगे हम क्लेबर्स जॉर्डन कोफिशिएंट्स। तो सर आप जो नॉर्मलाइजेशन के लिए आपने 1 बाय रूट 2 यूज किया था वो भी सीजी कोफिशिएंट ही कहलाएगा? हो सकता है, हो सकता है किसी केस में वो सीजी कोफिशिएंट से मैच करे। ओके सर। और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ। जो आज मैंने डिस्कस किया है वो आप एक बार जाके रिवाइज कर लेना, कल इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो दैट टाइम पे आपको डाउट नहीं होना।